तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आसिफ आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए आज किसी की स्टोरी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द अमेरिकन सोल्जर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स। आज की इस वीडियो में हम इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीव रोजर्स एक अमेरिका का निवासी है जो कि अमेरिकी फ़ौज में जाना चाहता है, लेकिन दुबले पतले शरीर के चलते उसका सिलेक्शन आर्मी में ना हो पाता है। लेकिन उसमें हिम्मत बहुत थी और जितने भी गुड पर्सनालिटी वाले बंदे थे उनसे भी कई गुना ज़्यादा ही हिम्मत थी उसके अंदर। एक दिन एक बम टेस्ट के चलते स्टीव रोजर्स की हिम्मत सबकी नज़रों के सामने आती है जब वो बम पर लेट के दूसरों की जान बचाता है अपनी जान पे खेल के, तो लोग उसकी कदर करना जान जाते हैं। उसकी इस हिम्मत को देख के वहाँ के लोग जितने भी थे वो सब राज़ी हो जाते हैं कि हाँ, इस बंदे में हिम्मत बहुत है, बस ताकत नहीं है। तो फिर उसको सुपर सोल्जर सीरम दी जाती है जिसके चलते ही उसके अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना सब सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुँच जाता है और फिर हमारे कैप्टन अमेरिका का जन्म होता है। और इसके बाद फिर उसने देश के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जंगों का भागीदारी बना और अपने देश का नाम रोशन किया। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वार में देखा कि पेगी के फंडल पर जाता है कैप्टन। पेगी कार्टर वॉज अ लव ऑफ कैप्टन अमेरिका। तो हमने वहाँ देखा कि कैप्टन पेगी को कांधा देता है। उसी टाइम एक बूढ़ा आदमी भी पीछे से कांधा दे रहा होता है। 2016 की सिविल वार के टाइम पर वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा एंडगेम वाला ओल्ड कैप्टन अमेरिका होता है, जब वे अपनी पूरी ज़िंदगी पेगी के साथ जी लेता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वे वापस आ जाता है, जैसा कि हमने देखा एंड गेम के एंड में। कैप्टन स्टोन्स को वापस रखने के बाद अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने निकल पड़ता है, जिसको वे कमी कहता था। कहेगा भी कैसे ना यार, बेचारा 70 साल तक तो बर्फ में जमा रहा, फिर जब बाहर निकला तो दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी थी और बेचारी पेगी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन कैप्टन की उम्र भी बड़ी थी, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ था क्योंकि वो बर्फ में जमा हुआ था। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय बाय, धन्यवाद। मैंने सुना प्रीतम की लौंडिया का ब्याह हो गया। अच्छा, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ, शादी में आ रहा हूँ, बिन बुलाए। बाय बाय। बड़े आदर से निकला मैं यूं करके।